जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी एरियर को लेके, यानी वन टाइम एरियर पे करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जो IESM के वकीलों द्वारा, मेजर जनरल सतपीर सिंह जी के द्वारा जो केस डाला गया था वन टाइम एरियर को लेकर। दोस्तों, वो आज सुनवाई हो चुकी है और आप उसका रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन ORP नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को लगाई कड़ी फटकार। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ORP को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पहले एक आदेश था जिसमें उन्होंने बोला था कि 15 मार्च तक आप फुल पेमेंट करें, इसमें ORP की पेंशन टेबल्स और फुल एरियर का भुगतान करने को बोला था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे 4 किस्तों का ऐलान करा, जो कि गलत था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जैसा कि आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं, ORP को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। रक्षा मंत्रालय पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया। रक्षा मंत्रालय से दोस्तों हलफनामा मांगा गया है कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एरियर जो पे करना था वो 15 मार्च तक पूरा पे करना था, बल्कि सरकार यहाँ पे कर रही है 4 किस्तों में। अदालती आदेश के बावजूद पेंशन किस्तों में देने का फैसला क्यों लिया गया। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, तो इसमें जो भी वकील थे इन्होंने तगड़ी फटकार लगाई है सरकार को। जैसा कि इसमें लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था पूरा एक साथ पेमेंट करने के लिए, जितना भी सब कुछ बकाया था, तो सरकार उसे 4 भागों में क्यों दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके से सरकार करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इसमें CGI DY चंद्रचूड़ ने 2 शब्दों में, यानी 2 टूक भाषा में कहा है कि जो भी हम कह रहे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उस आदेशों का पालन करे भारत सरकार, नहीं तो अवमानना का केस, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, ये चीज़ इन्होंने बताई इसमें, जो भी सुप्रीम कोर्ट बताती है, जो भी उन्होंने आदेश दिए हैं, वो सरकार को पालन करना होगा। जैसा आपको पता है कि 20 जनवरी को रक्षा सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करा हुआ था, जो गवर्नमेंट ने ORP 2 पेंशन टेबल निकाली थी, उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई थी एरियर को लेके, वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने को कहा था, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट कई डिफेंस पेंशनर्स को मिल भी चुकी है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 15 मार्च तक आप फुल पेमेंट करें, चाहे वो एरियर हो चाहे पेंशन टेबल्स हो, लेकिन दोस्तों सरकार ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा सकती है भारत सरकार पे। तो दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी से ये जवाब मांगा गया है, हलफनामा मांगा गया है कि आप इस तरीके की अनदेखी क्यों कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी को और भारत सरकार को ये कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, आज की सुनवाई में ये बातें हुई। और दोस्तों, ये कहा गया है कि जितना भी सारा बकाया है वो भारत सरकार जल्दी से जल्दी भुगतान करे पेंशनर्स को, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने 15 मार्च तक का समय दिया था पूरी एंटायर प्रोसेस ख़त्म करने के लिए सरकार को, लेकिन सरकार ने यहाँ पे नहीं माना और वो किस्तों में पेमेंट कर रही है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई इसके बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।